हेलो एवरीवन, वी एवरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री ओके दिस इज पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर आज हम पढ़ेंगे कोल रॉच लॉ क्या होता है इट स्टेट्स दैट इन फाइनाइट डाइल्यूशन करने पर जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है हर आयंस जो है वो अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है टुवार्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ़ द नेचर ऑफ अदर आयन विद विच इट इज एसोशिएटेड ठीक है ये क्या बताता है इट इसट uh, हो जाता है वेन द डिसूशन टू आर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन विद विच इट इज एसोशिएटेड और जो मोलर कंडक्टिविटी होती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर फॉर अ गिवन इलेक्ट्रोलाइट इट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन इज लैम्डा प्लस नॉट एंड दैट ऑफ एन आयन इज लैम्डा माइनस नॉट देन जो लॉ है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का वो क्या आप कहेगा लैम्डा नॉट इक्वल टू न्यू प्लस लैम्डा प्लस नॉट प्लस

ए एल थ्री पॉजिटिव प्लस थ्री थ्री है ना एसओ फोर तो नेगेटिव अब एप्लीकेशन क्या होती है कॉलरस लॉ की सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट देखिए कंसीडर कर रहे हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड को ठीक है देखिए सी एच थ्री सी एच इसमें ये बन रहा है सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव और एच पॉजिटिव का अब ये सी एच थ्री सी एन ए है तो सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव और ये एन ए पॉजिटिव एच सी एल है तो एच पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एन ए सी एल है तो एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव अब हम क्या करेंगे हमें इसका निकालना है ना सी एच थ्री सी एच का तो हम सी एच थ्री सी इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर उसमें से एन सी एल माइनस कर देंगे तो सी एच थ्री सी डबल इन दोनों को हमने प्लस कर दिया सी एच थ्री सी डबल को और एन ई सी एल का माइनस कर देंगे देखिए ये आ रहा है इसको प्लस इस दिस प्लस दिस एंड प्लस दिस माइनस दिस ठीक है देखिए माइनस दिस आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी एस थ्री सी प्लस एच सी एल को प्लस किया और एन एस सी एल उसमें से माइनस कर दिया ठीक है आगे देखिए कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का वो अल्फा होता है उसको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन और लैमडा एम नॉट है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को नेक्स्ट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के से डिनोट कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका फार्मूला है के इज टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा सी है कंसेंट्रेशन, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए सी अल्फा की जगह हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया था अल्फा का ठीक है डिग्री लैम्डा नॉट एम इसको जब हम सॉल्व करते हैं इस तरीके से तो देखिए क्या आता है ये आएगा आपका सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा एम इन टू लैमडा नॉट एम ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल से इफ माय वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट थैंक यू